नमस्कार प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस वर्ष को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का भी समापन होता है। इस दिन शुभ समय में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा के भक्त इस मनोकामना के साथ उन्हें विदा करते हैं ताकि वह अगले बरस बप्पा फिर से उनके घर पधारें और जीवन में उनके सुख और शांति लेकर आएं। देश भर में इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता यह है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही ग्रह कलेश से छुटकारा पाने और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर का मंदिर साफ करें और फिर विष्णु जी और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके पास एक कलश भी अवश्य रखें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और मां लक्ष्मी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उनकी आरती उतारें, अनंत चतुर्दशी की कथा सुनें और सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत रक्षा का सूत्र बांधना चाहिए। चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त क्या है। अनंत चतुर्दशी 2023 पर भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को 10:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक का है। अनंत चतुर्दशी 2023 पर गणपति विसर्जन का मुहूर्त। 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक, फिर उसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और साथ ही शाम 4:41 से 9:10 तक गणपति जी के विसर्जन का खास मुहूर्त है। इन मुहूर्त में कभी भी आप बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। आइए साथ ही जानते हैं अनंत चतुर्दशी क्यों है इतनी खास। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। गणपति विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन हो जाता है और इस दिन लोग गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ श्री गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित कर देते हैं। मान्यता यह है कि गणेश जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि अगले बरस वे फिर से धूमधाम से हमारे घर में आएं और हम बप्पा का स्वागत कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।